हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, छोटी-छोटी बात हमें समस्या लगती है, और जो लोग लंबा समय व्यर्थ में रहे हैं, जो निगेटिव विचारों में रहे हैं, जिन्होंने पाप थोड़े ज्यादा कर दिए, उनकी ये आंतरिक शक्तियां नष्ट हो गई हैं, इन्हें बनाना है। और मैं आज आपको ये भी कहूंगा, सूक्ष्म पापों से बहुत बचना है। बहुत करते हैं लोग कलयुग के अंत में, सबने किए हैं, ब्राह्मणों में भी बहुत करते हैं, इसलिए बाबा को कहना पड़ा था, ध्यान से सुन लो क्या कहना पड़ा था, तुम्हें 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने में समय नहीं लगता, ब्राह्मण बनने के बाद जो सूक्ष्म विकर्म होते हैं उन्हें नष्ट करने में बहुत समय लगता है। दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों को कटु वचन बोलकर डिस्टर्ब कर देना, टकराव में रहना, अहंकार और क्रोध में रहना, मैंपन में रहना, ये सूक्ष्म पाप कर्म कराते हैं। मैं से बहुत कठिनाई होती है, पाप होते रहते हैं, स्वार्थ बहुत पाप कराता है। और आजकल तो बहुत बढ़ रहा है कलयुग में, दूसरों की संपत्ति हड़पने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग कराते हैं, इसके डर मर जाए बच्चे, मेरे बच्चों को सारी जमीन मिल जाए, माताएं बहुत कर रही हैं, फिर मेरे पास फोन आते हैं, माताएं बोले ना मां आप नहीं कर रहे, तो दुनिया में बहुत कर रहे हैं महापाप। मैं एक माता की सुंदर कहानी सुनाना चाहता हूँ महाराज की। मुझे भी उससे नशा चढ़ गया था, कोई कोई हमें भी नशा चढ़ाने वाले मिलते हैं। कहा हम दो भाई, उसका पति और जेठ, वो जो बड़ा है वो बहुत तेज पढ़ा, मुझे कुछ सुनाई कहानी, मेरा पति बहुत साधारण भोला, हम सब ज्ञान में वो बड़े वाले नहीं, उसको संपत्ति का लालच, उसकी और उसकी पत्नी को, उन्होंने शहर के बीच में जो बड़ी दुकान थी वो खुद ली, हमें छोटी सी दुकान किनारे वाली दे दी, जो बड़ा घर था वो खुद लिया, जो सिंपल बिल्कुल छोटा था वो हमें दिया। हम बाबा के बच्चों के से हमने संतोष किया, पर हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे और समझदार, वो बड़े नाराज हुए, वो गुस्सा करने लगे, तुम क्यों ये कम ले रहे हो। मैंने उन्हें कैसे समझाया बच्चों को, सुनो एक साधारण माता की कहानी, इतनी सुंदर बात है। उसने कहा मैंने अपने बच्चों को समझाया, पति तो पहले समझदार था, बोला जो चाहे ले जाने दो, मैंने अपने बच्चों को समझाया, उन्होंने संपत्ति का ही तो ज्यादा हिस्सा ले लिया, हमारे हिस्से में तो स्वयं भगवान है। नहीं लगी अच्छी बात, ऐसी समझदार माताएं। पर देखो क्या हुआ, 3 साल में इनकी किनारे की दुकान तेज चलने लगी, उनकी बीच की भी दुकान डल होने लगी, 3 साल में वो भी बन गए बैगर, उनके बन गए सौकर, और वो फिर आ गया, 3 साल में नहीं आया था, भाई ये परिस्थिति आ गई, मुझे मदद चाहिए, कर्ज दे दो, इसके बच्चे तो गर्म हो गए देखते, इसको निकालो यहाँ से। तो देखो इनकी महानता, फिर ऐसी माताओं पे भगवान को गर्व है, ऐसी माताएं भारत की श्याम है, वही इस देवियां हैं, जिसने कहा नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने अपना काम किया था, हमें तो बाबा ने बहुत कुछ दे दिया, दे लो जो मांगते हैं दे दिया, का कर्ज नहीं ले जाओ, ऐसे ही हमारी ओर से मदद, आप हमारे बड़े भाई हो। ये मानताएं विचार, जिसके पास विचारों का धन है उसके पास धन की कमी नहीं रहती,